नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि पतरातू स्थित पीटीपीएस न्यू मार्केट कटिया चौक के समीप पतरातू के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता एवं बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के बड़कागांव दौरे के दौरान फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि बिरसा किसान गांव योजना के अंतर्गत विधानसभा में एक गांव को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि बड़का गांव विधानसभा भाग्यशाली है। बड़का गांव के विभिन्न जगहों में धान खरीद केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। प्रोग्राम आ रहा है बिरसा किसान बिरसा गांव। हर विधानसभा से एक गांव जहां पर सरकार की जितनी योजनाएं हैं, हमारे विभाग के ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं को कन्वर्जेंस करेंगे। इस गांव में एक डेमोंस्ट्रेशन देने का काम करेंगे ताकि दूसरे गांव के भी लोग वैसे योजनाओं का लाभ उठाएंगे। योजना केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं है। सबसे पहले कल किसान दिवस था, कल के कैबिनेट में उसमें यहाँ के किसानों को जो हमने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपके आंसुओं को पूछने का काम करेंगे, कल हमने 2000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की घोषणा कर दी। 29 तारीख से इस योजना की शुरुआत इस साल सरकार के एक साल पूरे होने पर की जाएगी। साथ ही 355 करोड़ रुपया का मुख्यमंत्री पशुधन योजना, जिसमें 50% अनुदान पर महिलाओं को, चाहे वो एपीएल हो या बीपीएल हो, सभी कैटेगरी के महिलाओं को गाय बकरी और भी अन्य जो पशु हैं वो दिया जाएगा। इसके साथ ही जो फसल राहत योजना है, पहले आप देखते होंगे कि फसल बीमा होता था, राज्य सरकार का ज़्यादा पैसा प्रीमियम में जाता था, किसानों को कुछ नहीं। इस बार हमने अपनी योजना शुरू की है, उसके लिए 100 करोड़ का प्रबंध किया है। कुल मिलाकर कल 2600 करोड़ की योजना है जो 29 तारीख से शुरुआत की जा रही है, यहाँ के किसानों को सौगात के रूप में दी गई। हमने कहा था कि किसान का बेटा खेती किसानी में बचपन बीता है, कभी किसानों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये हमारा आखिरी साल नहीं था, आपने देखा होगा पिछले साल जब चुनाव था कैश फॉर वोट के लिए आशीर्वाद योजना और तरह की योजनाएं लाई गई थी। हमारा शुरुआत था, हम चाहते तो बच सकते थे, कोरोना से लड़ते हुए यहाँ का जीडीपी पूरे देश का जीडीपी हुआ है, लेकिन हम भागे नहीं, चुनौतियों का सामना किया और तमाम बाधाओं के बावजूद किसानों को 2000 करोड़ रुपये का तोहफा देने का काम किया। हम आपके साथ चलेंगे। उनका वंशज को देखने में लाखों रुपए का दीवार बनाया गया, खैरा माली दीवार, लेकिन आज उनका वंशज दानेदार के मोहताज है। मैं संज्ञान में लाया है, मैं माननीय विधायक के साथ उनके घर पहुँचूंगा। ये विधानसभा भागशाली है, सौभाग्यशाली है, यहाँ हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र प्रसाद रावत जी, उनके पत्नी वाला जी, उनके पुत्री अंबा प्रसाद जी नेतृत्व करने का और बड़का विधानसभा सांसद पर झारखंड में बेहतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है और राज्य सरकार का पूरा भरपूर सहयोग है। हम लोग दोनों माननीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री, श्रम मंत्री, हम लोग पूरा आशीर्वाद दिए हुए हैं, भतीजी है, उसको और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। हम आपका बाइक लेंगे, जा रहे हैं उनसे मिल लेंगे और हमें जानकारी नहीं थी उनके वेलबींग की, अब आपके माध्यम से सुने हैं कि कोई परेशान है तो हम लोग जाके उनसे मिलेंगे। क्या खैरा माली परिजन को न्याय मिलेगी जो प्रथम विधायक थे? क्या न्याय मिलेगा, उनका को रोजगार मिलेगी? पहले हम मिलके उनका हालचाल ले लेते हैं और उनको क्या वीडियो सकता है, क्या चाहती है, वो हम बात करके वहाँ पे तय करेंगे। जा रहे हैं धान क्रय केंद्र का उद्घाटन करने के लिए, तो हम लोग सब माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी जा रहे हैं और माननीय कृषि मंत्री जी। किसान के लिए कोई नए योजनाएं हैं इसके अलावा? बहुत सारी योजनाएं हैं, पहले आप ये जान लीजिए कि अभी क्या क्या लागू हुआ है, क्योंकि अभी जस्ट
2-3 दिन पहले ही 50,000 का कर्ज माफ़ी हुआ है। उसके अलावा बहुत सारा धान क्रय केंद्र खोला गया है पूरे झारखंड में, और उसके अलावा बीज वितरण किया गया है सब्सिडाइज रेट में, फ्री में लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बिरहोर लोगों को खास कृषि मंत्री के द्वारा खास पैकेज तोहफा में दिया गया है, और भी बहुत सारा चीज़ है उसको विस्तार में समझने की जरूरत है। उसके बाद अभी जो नए आने वाले साल है बहुत सारे प्लान किए गए हैं और धरातल पे बहुत सारे चीज़ उतारे जाएंगे।